Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and our contact number is +91 769 673 4256. So you will get something like this in the exam. This is by IRS group. We are thankful to this particular group for creating a question paper of speaking, or for it speaking precisely. So how do you execute in the exam? So you will get 3 minutes in the exam for OET speaking for the preparation. Please listen to this recording very carefully to know about the rules of speaking. So 3 minutes would be there to prepare. So in these 3 minutes you can write anything. तो आप कुछ भी लिख सकते हो, anything that any line जो आपको मुश्किल लग रही है, जो आपको बनाने में दिक्कत आएगी, तो आप उसको पहले, जैसे यहाँ पे दे रखा है ask for the details about what happened. तो अगर आपको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे option नहीं दे रखे, तो आप उससे पहले ही यहाँ से पढ़ लो. A man has presented, he states his name. तो सबसे पहले यही पूछ लो, डिटेल से पहले, can I get your name? तो ये पहले ही क्वेश्चन पेपर पे लिख लो, आप लिख सकते हो पेंसिल से, कैन आई गेट यूर नेम. दूसरा, ही हैज सफर्ड फ्रॉम अ हेड इंजरी एंड माइल्ड कंकशन. ओके, आई कैन सी दैट यू आर हैविंग हेड इंजरी एंड यू मे हैव माइल्ड कंकशन. ये तो चलो ऑब्जर्वेशन पता लगे. ही ऑल्सो हैज कट्स एंड ब्रूसेस टू हिज बॉडी, हिज राइट हैंड इज स्वॉलन, ही इज इंटॉक्सिकेटेड. तो डिटेल्स में अबाउट व्हाट हैपेंड, तो कैसे हुआ. तो अगर कुड यू प्लीज लेट मी नो, बस ये छोटा सा देखें, बाकी सब कुछ सेम ओईटी में. लेट मी नो व्हाट हैपेंड, तो एक क्वेश्चन ये तैयार कर लो. तो पेशेंट बताएगा, कहानी थोड़ी सी तो सुनाएगा ना, कि भाई ऐसे 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 हुआ. तो वो कहेगा कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो, आई वाज ड्रिंकिंग विद माय फ्रेंड्स, आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर एनीथिंग. तो आप उसको को ओके प्लीज डोंट वरी, लेट मी एग्जामिन यू. ये पहले ही तैयार कर लो, वो जो भी बोले, क्योंकि उसको याद ही नहीं होगा, वो इंटॉक्सिकेटेड है, उसको याद कैसे रहेगा. तो क्या पता वो आपको कहानी बताए ना, लेकिन आपको टास्क में दिया है, तो आपने उसके बाद कहना है ओके लेट मी एग्जामिन यू. सो हमेशा इस लाइन को ऐसे बोलना है, आफ्टर एग्जामिनेशन हमेशा आई हैव फाउंड. ये लाइन सब लिख दो पहले, आई हैव फाउंड दैट यू आर हैविंग दिस एंड दिस, यू आर हैविंग हेड इंजरी, ये बता दो उसको. आफ्टर एग्जामिनेशन मुझे ये पता लगा है, एंड यू मे हैव माइल्ड कंकशन. तो वैसे तो वो बोलेगा नहीं कुछ भी ओईटी में, पर अगर बोलता है कि मे का मतलब क्या है, आप मे क्यों बोल रहे हो, उसको कहो सी आई एम अ नर्स एंड आई एम नॉट सपोज टू मेक योर डायग्नोसिस, सो डॉक्टर इज कमिंग सून, ही विल मेक द राइट डायग्नोसिस. तो मतलब ही विल कन्फर्म द डायग्नोसिस. तो मैं तो मे लगा के ही बोलूंगी, आपको टास्क में मे दिया है, तो आप ये कहोगे आई एम अ नर्स, नर्स, सो आई कांट मेक योर डायग्नोसिस, only doctor can make your diagnosis. तो ये लाइन लिख दो पहले, only doctor can make your diagnosis. बाकी आप बोल ही दोगे, ठीक है, ये लाइन भी मेरी तैयार होगी. ऐसे टॉपिक को तैयार करते हैं OET के पेपर में. You should get yourself ready like this. So right hand is swollen. Also I can see your right hand is swollen. तो ये भी कर दो, also I can see your right hand is swollen. ये सब बातें आप कर दोगे पेशेंट से. तो फिर उसके बाद वो कहेगा कि क्लोज, ही इज इंटॉक्सिकेटेड, ही इंसिस्ट, ही वॉन्ट्स समथिंग फॉर पेन रिलीफ वाइल वेटिंग टू सी द डॉक्टर. तो वो कहेगा कि पेन रिलीफ के लिए कहना है, तो आपको यहाँ पे दिया होगा एक्सप्लेन दैट यू कैनॉट एडमिनिस्टर. तो आपको वो टॉपिक दे रखा है, देखो. फिर वो आपको कहेगा कि आई वॉन्ट समथिंग. ये तो इस वाले टास्क में पेशेंट को बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये टॉपिक ही पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, पेशेंट को साथ देना पड़ेगा कि भाई बस वो ये बोलता रहेगा मुझे तो पेन रिलीवर दो. तो आप कहोगे आई कैन नॉट एडमिनिस्टर पेन रिलीवर, मैं नहीं कर सकती, बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉक्टर, बिफोर एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर. तो डॉक्टर की तो वेट आपको करनी पड़ेगी, प्लीज वेट पेशेंटली. तो पेशेंट आपको कहेगा व्हाट नॉनसेंस इज दैट नर्स, लाइक व्हाई आर यू हेयर, आई हैव कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट एन ओपीडी, दिस इज एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, लाइक हाउ रिडिकुलस इट इज दैट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग मी एनी मेडिकेशन, आई एम हैविंग सीवियर पेन. आपको कहो आई डू अंडरस्टैंड सर, you are right, but according to medical protocol. हमेशा ये word अपने पास रखो OET speaking में, but according to medical protocol, we are not allowed. Again, जो हमने आज सारी grammar की है, जो video इसके साथ है grammar की, हमें protocol के द्वारा allowed नहीं किया जाता, तभी ZMR third form. We are not allowed to give any medication. So only doctor can prescribe medication. तो डॉक्टर ही दे सकते हैं भाई आपको मेडिकेशन.
ये बात को एम्फेसाइज करो, वो दोबारा एक बार बोल सकता है कि ये क्या है, आप तो बिल्कुल मेरी बेइज्जती कर रहे हो, दिस एंड दैट। सी आई डू अंडरस्टैंड बट यू नीड टू रियलाइज कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज एट दिस टाइम यू आर ड्रंक या यू आर इंटॉक्सिकेटेड, सो बेसिकली एल्कोहल कर सकती है। बिल्कुल सिंपल सोचो, एल्कोहल ये लिख दो सब कुछ, टेंसेस लिख दिया करो पेपर में, एल्कोहल कैन यू नो काइंड ऑफ हैव साइड, एल्कोहल कैन हैव साइड इफेक्ट्स, एल्कोहल के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं विद सम मेडिकेशंस। तो मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकती, सो आई कांट एट ऑल एट दिस टाइम, रियली सॉरी, उससे अपोलोजाइज करो, एंड आई अपोलोजाइज, बट वी नीड टू, ऐसे वर्ड पे ना स्टिक वर्ड यूज किया जाता है, बट आई नीड टू स्टिक विद माई, मेरे को अपने उसके साथ स्टिक करना है विद माई प्रोटोकॉल, क्योंकि तो हमें अलाउड नहीं है। सो ट्राई टू मेक हिम एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, सो कहो नाउ प्लीज वेट, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड द डॉक्टर, मैंने पहले ही कह दिया डॉक्टर को, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड द डॉक्टर, ही वुड बी हेयर वेरी सून, वुड बी हेयर वेरी सून ऑल्सो। अब यहाँ पे कंफर्टेबल करने के लिए आप खुद सोचो क्या कर सकते हो। ऑल्सो आई हैव फिल्ड वॉटर फॉर यू, प्लीज हैव इट, हैव इट एंड सेट कंफर्टेबली ऑन द सोफा, ऑन द चेयर, बाय द टाइम डॉक्टर इज कमिंग, तब तक डॉक्टर आ रहा है, तो बस टॉपिक सारा तैयार है, ये सारा आपका टास्क है, प्लीज इसको बार बार पढ़ना, आपके लिए जो हो जाएगा, बोल के दिखाना है तो मैं आपको बोल देता हूँ। 3 AM पे है, तो गुड मॉर्निंग, माई नेम इज भूपेश, और डॉक्टर बी कैम, हाउ मे आई हेल्प यू? देन पेशेंट विल से, ओ आई एम हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम, ओके बिफोर आई कैन स्टार्ट आई नीड टू गेट योर नेम, सो कैन आई गेट योर नेम प्लीज? माई नेम इज जोसेफ ग्रूम, जोसेफ ग्रूम, ऑल राइट, वेल मिस्टर जोसेफ, हाउ कैन आई हेल्प यू? वेल आई डोंट नो, आई एम हैविंग बिकॉज ही इज इंटॉक्सिकेटेड, आई डोंट नो, आई जस्ट वॉन्ट ट्रीटमेंट, आई नीड पेन रिलीवर, आई ओके वेल बिफोर आई कैन गिव यू एनी पेन रिलीवर आई नीड टू एग्जामिन यू बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिफोर आई एग्जामिन यू आई वुड लाइक टू आस्क यू, कुड यू प्लीज टेल मी और कुड यू प्लीज लेट मी नो वट हैपन? वेल नर्स, आई डोंट रिमेंबर एनी थिंग, प्लीज नर्स डोंट वेस्ट माई टाइम, आई एम हैविंग सीवियर पेन, माई आर्म, माई राइट आर्म, माई हेड, एवरी थिंग इज एकिंग, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी सम मेडिकेशन। सी आई डू अंडरस्टैंड, आई एम हेयर टू हेल्प यू ओनली, देर इज नथिंग टू वरी, सो प्लीज डोंट वरी एंड लेट मी एग्जामिन यू फर्स्ट। सो आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड दैट यू आर हैविंग फ्यू बिट ऑफ हेड इंजरीज एंड ऑल्सो यू मे हैव माइल्ड कंकशन। वट डू यू मीन बाई मे नर्स, लाइक कांट यू रियली टेल मी वट इज हैपनिंग, एम आई हैविंग सम सिवियर इंजरी इन माई हेड? सी आई एम अ नर्स, आई एम नॉट अलाउड टू मेक एनी डायग्नोसिस, सो इट इज बेसिकली अ जॉब ऑफ द डॉक्टर, एंड डॉक्टर हैज ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड दैट देर इज एन एमरजेंसी पेशेंट, सो ही इज कमिंग यू नो राइट अवे, ही वुड बी हेयर वेरी सून, बट वट आई कैन ऑब्जर्व इज दैट योर राइट हैंड इज ऑल्सो स्वोलन एंड ऑल्सो यू आर हैविंग फ्यू हेड इंजरीज। वेल नर्स, दैट इज वट आई एम टेलिंग यू, आई नीड अ पेन किलर, आई नीड अ पेन किलर, प्लीज प्रोवाइड मी पेन किलर। सी आई एम अगेन, आई वुड लाइक टू रिपीट दैट आई एम रियली सॉरी, आई कैनॉट मेक एनी डायग्नोसिस एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैनॉट प्रोवाइड यू एनी मेडिकेशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मेडिकल प्रोटोकॉल वी आर नॉट अलाउड टू गिव यू एनी मेडिकेशन, इट्स द जॉब ऑफ द डॉक्टर, सो ओनली डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब यू द मेडिकेशन, एंड एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट डॉक्टर इज ऑन हिज वे, ही वुड बी हेयर वेरी वेरी सून। Well, nurse, I don't know who calls you or nurse. Why are you nurse? Because, you know, nurse are allowed to give simple pain relievers. I'm just asking about a pain relieving medication. Well, Mr. Joseph, I do understand you are saying right that we can prescribe medications. We can give you painkillers. But in your case, at this particular moment, we cannot because you are intoxicated. And alcohol has certain side effects with kind of medications. So if I give you any pain relieving medication, it may cause some serious side effects. It can be fatal to you. It can have deadly consequences. So I would really recommend you not to get overwhelmed or please control your emotions. At this moment, I know you are having pain. I have full sympathy for you.
बट प्लीज अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट गिव यू एनी मेडिकेशंस, वी नीड टू स्टिक विद द मेडिकल प्रोटोकॉल. ओ नर्स व्हाट रिडिकुलस इज दिस, लाइक व्हाट आर यू सेइंग, लाइक कांट यू रियलाइज दैट दिस पेन इज अनबियरेबल. वेल डॉक्टर इज कमिंग वेरी सून, सो आई हैव अगेन चेक्ड विद द डॉक्टर. He is almost here. He's already in the hospital, just coming our way within like 1 or 2 minutes. So please have a seat. I have already filled a glass of water for you. Have this glass of water, relax yourself, sit comfortably, take a deep breath by then. And I am here for you. If anything happens, I am right here for you. I'm not going anywhere until the doctor comes. So I am also with you. So, but please do understand, I'm bound with the medical protocol that we need to follow it, and I can't give you medications. So that is why I'm not giving you medications, because it is for your benefit. It may have certain side effects that can be really dangerous. So that's the only reason, Mr. Joseph, I would like to repeat. Rest. Doctor is almost here. Now sit comfortably, have a glass of water, and I'm just standing beside you. Take care. That's it, khatam. So please listen to this recording again and again. And if you have any question, you can always ask me. हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे हम पूछ लेते हैं. हाँ जी मैम, एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ. प्लीज एनी क्वेश्चंस. नो सर. चलिए सर, ये रिकॉर्डिंग भी भेज देना. 100%. All right, guys. Thank you so much. Rest will connect to you tomorrow. Take care of yourself and thank you, sir. Recordings of thank the camera you, as well as sir. Yes, please, ma'am. Sir, aaj na mere husband wo